मस्का मार रहा हूँ। मारो मारो ना। तो खा लेने दो वरना वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट नहीं हो जाएगा, मैं खा लूंगा ना ये। तुम्हें कितनी बार कहा है ब्रेकफास्ट के समय मत यहाँ आया करो। ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं एक बताने आया था कि मैं महीने का किराया दे रहा हूँ। एक महीने के किराए के बदले में मेरे दो महीने का नाश्ता खा जाएगा। वो कल रात कहाँ गए थे बताऊं? कहाँ गए थे कल रात? संजय बताइए कहाँ गए थे कल रात? हेलो कौन है? दीदी फोन तो उठाओ ना। अरे हाँ फोन ही नहीं उठाया। अरे राम इन दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। हेलो कौन? मम्मी कैसी है मम्मी? अच्छा आओ आओ। मोदी 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 पता है मम्मी सीधा छूट के यहाँ आ रही है। क्यों सजा खत्म हो गई उनकी? नहीं नहीं हॉस्पिटल से आ रही है। अच्छा अच्छा जेल से नहीं आ रही है। पता है 15 दिन पहले उसे कुत्ते ने काटा। अच्छा हाँ कुत्ता जिंदा या मर गया? मर गया। मर गया इसलिए तो हॉस्पिटल में थी। ऐसे कैसे मर गया? वो क्या कमजोर नस्ल का कुत्ता था ना, ऐसे हालांकि मम्मी को मरना चाहिए था। मोती देखो 2 बजे मम्मी बस स्टैंड पे आ रही है, उसे रिसीव करने चले जाना। हाँ अरे वाह मैं क्यों रिसीव करने के लिए जाऊँ? तुम्हारी माँ जानती हम कहाँ रहते हैं, वो अपने आप चली आएगी। अरे मगर उसे रिसीव करने गए तो कोई आसमान टूट पड़ेगा क्या? तुम्हारी माँ को रिसीव करने का काम मेरा नहीं। अरे इतनी भीड़ में मैं तुम्हारी माँ को कहाँ ढूंढूंगा? तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही तुम्हें ढूंढ लेगी। याद है ना पिछली बार उसने कैसे तुम्हें ढूंढ लिया था? कैसे 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 पिछली बार जब मम्मी यहाँ आई थी ना तो उसने कहा कि भीड़ भाड़ में उसने देखा सबसे बेवकूफ लगने वाला आदमी कौन है। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? बहुत हंसी आ रही है? जा मेरी सास को लेने के लिए बस स्टॉप पर, तू चला जा। मैं? लेकिन मैं तुम्हारी सास को जानता तक नहीं। जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस से जो भी सबसे खड़ूस औरत उतरेगी वो मेरी सास होगी। तो आराम से क्यों बैठे? सर मैं आराम से सोना चाहता हूँ, लेकिन आपको खराब लगेगा ना। तू सोना चाहेगा ना तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। तू आराम से बैठने सोने आया है या काम करने आया है? या काम हो तो करू ना। अरे काम कुछ नहीं तो काम की एक्टिंग कर। एक्टिंग में मैं अलग पैसे लेता हूँ। हाँ, क्योंकि एक्टिंग में मेहनत ज्यादा होती है। अब भी देखना आइए, मैं सुबह से काम की एक्टिंग कर रहा हूँ। देखो एक ही पार्सल में खोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ। इतने टैक्स इतने रेटेक्स किसी फिल्म स्टार ने भी दिए नहीं होंगे। एक मिनट मुझे इसे और मारने दी। क्या है आपका सेठ है? मैं ही हूँ सेठ, लगता नहीं क्या? सॉरी सॉरी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। क्या काम है आपका बताइए? मैंने आइसक्रीम बनाई है। अच्छा? और वो मैं अपने हस्बैंड को कुरियर करना चाहती हूँ। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। आइसक्रीम कहाँ है? फ्रिज में। डोंट वरी हो जाएगा। हो जाएगा ना। अरे संजय भंडारी का कुरियर है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा राजस्थान जाते जाते आइसक्रीम पिघलेगी तो नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अरे वाह तो मैं अभी फटाफट आइसक्रीम भेज देती हूँ। ओके आपके चार्जेस क्या है? 10,000 रुपए। 10,000? इतना सा आइसक्रीम भेजने का 10,000? फ्रिज के साथ भेजना पड़ेगा ना। थोड़े सस्ते में नहीं होगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, होगा। एक काम करिए आपके हस्बैंड को राजस्थान में फोन करिए और उनको बोलिए कि आप कोई भी आइसक्रीम खा लीजिए वहां पे। हाँ और ऐसी कल्पना करें कि वो आइसक्रीम आपने बनाया है, सस्ते में हो जाएगा। उनको भी आइसक्रीम मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा, इनका भी काम हो जाएगा, सस्ते में भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। गई गई चलो ठीक है चलो काम चलो कर। तू सोता है? अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? संजय एक काम कर जल्दी से बस स्टॉप पर जा और मेरी सास को लेकर आ। सास को?
आपके सास को है ना क्या है, मैं ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकता ना। तो ये है ना तेरा असिस्टेंट। नहीं नहीं मैं इतना अकेला काम नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तू कितना काम करता है, सुबह से देख रहा हूँ। तो एक ही पार्सल को खोलता है, बाद में उसी पार्सल को बंद करता है। सेठ जी, ये अपनी सासू की बला आप मेरे गले में क्यों डाल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है संजय? जब से मेरी सास को कुत्ते ने काटा है ना, तो वो मुझे देखते ही भौं-भौं करना शुरू कर देती है। आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं क्या? देखे, अगर तू नहीं जाएगा ना तो अगले महीने से किराया बढ़ा दूंगा। जाता हूँ। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये किराया तो देता नहीं, फिर भी जब भी बढ़ाने की बात करता हूँ ये डर क्यों जाता है? ये भी डर गया। एक मिनट एक मिनट, आप औरत हैं लेकिन पुरुष नहीं। एक मिनट एक मिनट, आप पुरुष हैं औरत नहीं। यही होगी। आप खड़ूस है? आप खीरा की मम्मी है? देखिए देखिए क्या कह रही है, मैं आपको रिसीव करने आया हूँ। देखिए मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी का पेइंग गेस्ट हूँ। नहीं बैग ले, बैग ले, चलिए आइए 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 ना आइए। देखो शर्माना नहीं, चुपचाप बैठे रहिए, एक लफ्ज भी बोलना नहीं, हम इनके साथ जरा मजाक करते हैं। आइए 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 बैठिए 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 ना बैठिए। शीला आंटी, शीला मैडम, शीला मैडम। ओफो संजय, इतना गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखिए मैं आपके लिए क्या चीज लाया हूँ। क्या चीज लाए हो? आपकी माँ। संजय, जिंदगी में पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है। कंचन, 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 देखो संजय किसे लेके आया? किसे? माँ को। माँ, मम्मी कितना अच्छा हुआ तुम आ गई यहाँ पे। शीला, कंचन करने का, आप कौन होती है? अरे तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये हमारी मम्मी है, ये नहीं है। ये आपके माँ नहीं है? नहीं है, ये है। लेकिन ये तो पहले आई है। क्या है, वैसे दिखने में भी बुरी नहीं है, इनकी जैसी दिखती है। एक काम करिए, इनको जाने दीजिए, इनको रख लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो, ये बेवकूफ आदमी कौन है? अरे मम्मी, ये हमारे पेइंग गेस्ट है, ये ऐसे ही कुछ गड़बड़ करता रहता है। इसकी गलती नहीं है, सारी गलती उनकी है। सुनिए, बाहर आइए। आया आया आया, कहाँ हो डार्लिंग? यहाँ हूँ मैं। बोलो। तुम्हें मम्मी को रिसीव करने के लिए बस स्टैंड पे भेजा था ना? अरे तो मैंने संजय को भेजा था रिसीव करने के लिए। ओहो सासू जी आ गई। ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी सासू नहीं है, ये तुम्हारी सासू है। तो फिर ये कौन है? ये अपने निकम्मे दोस्त से पूछो। संजय ये कौन है भाई? क्या है वो सर जी, आप ही ने कहा था ना आपके सासू जी को पहचानना एकदम आसान है, चेहरे से एकदम खड़ूस लगती है। क्या, मैं चेहरे से खड़ूस लगती हूँ? इसने कहा। नहीं सासू जी, दरअसल बात ये है, मैं आपके मुंह पर तो आपको खड़ूस नहीं कह सकता, इसलिए मैंने संजय को कह दिया था। क्या, ठीक है अब मुंह क्या देख रहे हो मेरा, इसे उठाओ और कुरियर कर दो वहाँ जहाँ से तुम ये पार्सल उठा के लाए थे। क्या कमाल की औरत है, इतना महाभारत चल रहा है और मुँह से लफ्ज भी नहीं निकल रही। ओ मैम साहब, आप कौन है, कहाँ से आई आप, कहाँ जा रही? ओ मैम साहब, ओ मैम साहब। अरे ये तो गुंगी बहरी है। शीला, काश ये तुम्हारी माँ होती। फर्स्ट क्लास खाना है। शीला, तुम्हारा वो मनहूस पति नहीं आया खाना खाने? वो तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहते। क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं खाना खाना चाहता? मम्मी उसे टेंशन होती है। क्यों, क्या टेंशन होती है? मम्मी वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी के सामने खाना खाते समय ऐसा लगता है जैसे मैं कोई हिरन हूँ और शेरनी के सामने पानी पी रहा हूँ। क्या बदतमीज पति मिला है तुम्हें? और दूसरा कौन है? संजय, संजय लगता है कि तुम्हारे पति ने जानबूझकर उसे इस घर में रखा हुआ है ताकि मेरा मजाक उड़ाते समय वो उसका साथ दे। मम्मी को डरा दिया ना। खाना खा रही है क्या? लगाना मम्मी की रोटी को। क्यों, इसमें जहर मिला है क्या? क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं संजय, आओ ना, ये मेरे प्लेट से खाना। इनके बाजू में क्या, आओ बैठो, चला है कोई धर्मशाला है क्या?
क्या है, भूखे पैसे आदमी को खाना खाने मना नहीं करते कभी। उठो यहाँ से, पहले उठ जा यहाँ से। दीदी खाना खाने दो ना, और वैसे भी संजय अगले महीने का किराया एडवांस में लाया है। अरे पहले पिछले महीने का किराया तो चुपता करे, इसको छोड़ दो। तुम ऐसे करो, सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दो कि मैं आ गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, भरपूर खाना खा रही हूँ। लेकिन अभी तक कंफर्म कहाँ हुआ है कि आप ठीक हुई है? क्यों, डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ दिया है? हॉस्पिटल के लोग क्या पागल है जो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया? क्या है, डॉक्टर लोग कभी कभी मरीज से तंग आकर उसे डिस्चार्ज देते हैं। दिस इज टू मच। अगर मम्मी ठीक नहीं होती ना तो मम्मी को डिस्चार्ज भी नहीं मिलता। और वैसे डॉक्टर ने कहा है कि कुछ सावधानियां बरतनी होगी, दैट्स ऑल। हाय हाय, कौन सी सावधानियां? फॉर एग्जांपल, जैसे मम्मी को कुत्तों से दूर रखना होगा। वो कुत्तों की भलाई के लिए। कंचन एक काम करते हैं, मम्मी की रिकवरी की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी अरेंज करते हैं। मम्मी बहुत मजा आएगा। मम्मी संभल के आओ, यहाँ सीढ़ी है, संभल के। रमेश, रमेश क्या है श्राम? मैं जबान खींच लूंगी अगर मुझे नाम से पुकारा तो। सॉरी सॉरी, वो क्या है, हमारे साहब आपके बारे में बोलते वक्त हमेशा शीला शीला कहते ना, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी आदत हो गई शीला मेरे साहब। अच्छा, मतलब तुम्हारे साहब मेरे पीछे मुझे शीला नाम से पुकारते हैं? हमेशा नहीं, कभी कभी। वो तो अक्सर आपको काली माता या जगदम्बा ही बुलाते हैं। ये कहाँ रखना? अरे हाथ लगा ना। क्या है क्या? कैसा बेवकूफ असिस्टेंट रखा है तुमने, मेरा इतना महंगा पार्सल गिरा दिया देखो। ए बेवकूफ, इतना बड़ा पार्सल तूने गिरा दिया? ठीक तरह से पकड़ने नहीं आता। मैं ठीक तरह से उठाया था लेकिन कैसे हाथ से छूट गया पता ही नहीं चला। अरे तुम क्या कर रहे हो? गिर गया। क्या है इसमें? इसमें पोर्टेबल टीवी है, मेरी माँ को आज रात को पार्टी में मुझे प्रेजेंट करना है। तुम्हारी माँ? अरे वाह, पार्टी? अरे वाह। अरे वाह कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पार्टी में नहीं बुला रही हूँ। बुला रही हूँ। किस खुशी में दे रही हैं आप पार्टी? मेरी माँ की रिकवरी की खुशी में। अच्छा तो उसे बड़ा टीवी स्टेशन देना चाहिए था, इतने टीवी से क्या होगा। बेडरूम के लिए और कितना बड़ा टीवी चाहिए? अरे बेडरूम के लिए तो इतना बड़ा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, सत्यानाश हो गया मेरे टीवी का। ऐसा कुछ नहीं होता, अंदर अच्छा पैकिंग रहता है। और पैकिंग को कुछ नहीं होता, अगर अच्छी तरह से पैकिंग किया हो ना तो कुछ। देखो फिर से देखो। देखो मेरी माँ को ना ये टीवी मैं प्रोग्राम देखने के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, अंदर के स्पेयर पार्ट्स देखने के लिए नहीं। हाल बराबर है ना? एकदम स्ट्रॉन्ग। छुपाने की कोई जरूरत नहीं, आज इतना चाहो पी सकते हो। थैंक यू दादी। अरे वाह वाह, सब लोग आ गए। कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आप आए। नमस्ते जी, नमस्ते। शर्माइए मत, जो भी ले लीजिएगा। माँ कैसी पार्टी? अरे मिसेस वर्मा आइए ना, वहाँ से आइए आइए। माँ माँ, ये मिस्टर मिसेस वर्मा है। नमस्ते। लाइफ टू सी यू हेल्दी। थैंक यू। आपकी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई है। वैसे क्या हुआ था? कुत्ते ने काटा था। आजकल के बड़े बदतमीज हो गए। मिस्टर मिसेस वर्मा आइए ना आइए, ड्रिंक लीजिएगा। दीदी जीजा जी को देखिए, एक के बाद एक पैर अंदर किए जा रहे हैं। चिंता मत करो कंचन, पता है मैंने रमेश को इसलिए उनके पास खड़ा किया है, वो उनके ड्रिंक्स के गिलास में सॉफ्ट ड्रिंक डाल रहा है बार बार। के बच्चे एक बात बता, कब से मैं बैग पर पैक किए जा रहा हूँ, मुझे नशा नहीं हो रहा है और तू झूम रहा है, क्या बात क्या है? ए मोटी, ये तुम्हारा ग्लास का है? ये रहा, ये जरा खाली हो गया। एक बात बता वरना, ये ड्रिंक ठीक है? तुझे ठीक से नशा हो रहा है क्या? मतलब क्या तुमने ये ड्रिंक नशा न होने के लिए रखी है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे भी नशा तो हो रहा है, सब कुछ ठीक है। क्यों नहीं रही है? ड्रिंक लेता हूँ। लीजिए लीजिए, ये सब आपकी के लिए ही है। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। भंडारी कौन है? अरे आप हैं, बोलिए कहिए क्या काम है? जी मुझे इस कुत्ते को दिल्ली भेजना था। कुत्ते को? अच्छा, डोंट वरी, हो जाएगा। आप सिर्फ पालने वाले का नाम और पता लिख कर दीजिए, कुत्ता दिल्ली पहुँच जाएगा। इसके कितने पैसे लेंगे आप? अर्जेंट भेजना है,
आराम से भेजना है जी, अर्जेंट भेजना है। 10,000 रुपए। 10,000? इतने से कुत्ते को दिल्ली भेजने के आप 10,000 रुपए लेंगे? मैडम क्या है, सवाल कुत्ते के साइज का नहीं सवाल हमारी मेहनत का है। क्या है, अगर इसे अर्जेंट दिल्ली भेजना है तो प्लेन का टिकट काटना होगा, उसे टैक्सी में बिठाकर एयरपोर्ट तक ले जाना होगा, और उसे प्लेन में बिठाकर टाटा बाय बाय करके तसल्ली करनी होगी कि कहीं प्लेन से कुत्ता बाहर तो नहीं आ गया। क्या है, लास्ट टाइम हम कुरियर से एक आदमी को दिल्ली भेज रहे थे। आदमी? आदमी भी भेजते हैं हम लोग तो बाद में पता चला कि आदमी प्लेन से बाहर आके पंखे से लटक रहा था। पायलट बोल रहा है कि पंखा चालू क्यों नहीं हो रहा है, तो आदमी पंखे से लटक रहा था। काम कर दीजिए ना। नहीं नहीं, कम नहीं होगा, क्या है, आदमी अगर पंखे से लटक जाता है ना तो पंखा चलता नहीं है ना। चलता नहीं, कुत्ते की बात कर रही हूं। कुत्ते की बात कर रही हूं। अच्छा अच्छा, आप काम करिए ना, आप इकोनॉमिक क्लास क्यों नहीं इस्तेमाल करती, क्या जरा देर लगेगी लेकिन कम खर्चे में कुत्ता दिल्ली तक पहुंच जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, पाने वाले के कुछ कपड़े के टुकड़े उसे सूंघाने पड़ेंगे, ये सूंघते सूंघते अपने आप दिल्ली तक पहुंच जाएगा 1 साल के बाद। नहीं, मुझे तो अर्जेंट भेजना है। अर्जेंट भेजना है, 10,000 रुपए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है 10,000 रुपए। मैडम ने आपको जल्दी बुलाया है। तो अभी से टाइट होके आया है, कह रहे हैं जल्दी पैकिंग कर, जल्दी पैकिंग कर। मैडम डोंट वरी, आपका कुत्ता कलकत्ता भेज देंगे। दिल्ली भेजना है? दिल्ली भेजना है, दिल्ली भेज देते हैं हम लोग, दिल्ली भेजेंगे, अच्छी पैकिंग करके भेज देंगे। ख्याल रहे कुत्ता जिंदा पहुंचे। मरा हुआ कुत्ता हम भेजते ही नहीं ना, जिंदा ही कुत्ता भेजेंगे ना, डोंट वरी हो जाएगा। पकड़ दे, पकड़। कुत्ता गली भेजेंगे। हाँ गली भेजेंगे, वो झोपड़पट्टी में रहता है ना तू, वो गली में भेज देंगे। अरे दिल्ली भेजना है। हेलो 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 सर, वो फोन बज रहा है। कुत्ते को संभाल, कुत्ते को संभाल, अरे कुत्ते को संभाल। हेलो कुत्ते को संभाल। क्या देखे बच्चे, मम्मी का पार्सल कहाँ है? डोंट वरी मैडम, अभी लाता हूँ ना। वो क्या हुआ कि आज मुझे इतना काम था कि मुझे इतना काम था कि मुझे इतना काम था कि चुप, काम गया भाड़ में। देखो फौरन मम्मी का गिफ्ट पार्सल लेके यहाँ आ जा, जब तक मैं बुलाऊंगी नहीं तब तक मेरे पास नहीं आना, चुपचाप कोने में बैठे रहना, समझे? डोंट वरी हो जाएगा। कपूर साहब को साफ साफ कह दिया।
आ रही है क्या आपको? अरे यार, मुझे तुम अजीब वो गरीब आवाज निकाल रहे हो और मुझको कह रहे हो हिचकी आ रही है। Yes, Sheila darling. नहीं, मैंने वेटर चेंज किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। सुनिए सुनिए, आप सब तो जानते ही हैं, हमने ये पार्टी मम्मी की रिकवरी की खुशी में दी है। हम आपकी तरफ से मम्मी की लंबी उम्र और तंदुरुस्ती की विश करते हैं। हम दोनों बहनों ने मम्मी के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया है, वो हम उसको देना चाहते हैं। संजय तोहफा लाओ, संजय तोहफा लाओ। रमेश ये तोहफा लाओ, छोटा सा। ये तोहफा ऐसा है जो मम्मी का हमेशा मनोरंजन करता रहेगा और मम्मी अपने साथ उसे कहीं भी ले जा सकती है। मम्मी तोहफा खोलो ना जल्दी, खोलो खोलो। क्यों, क्या हुआ? कुत्ता वफादार होता है, वो भी मनोरंजन करता है, वो भी साथ में खेलता है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, वो बिगड़ता भी नहीं क्योंकि उसको स्पेयर पार्ट ही लगते नहीं है, क्योंकि वो कुत्ता होता है।